तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनुज स्टडी पॉइंट में। तो चलिए आज के इस वीडियो में 10th और 12th के छात्रों के लिए कुछ खास नोटिफिकेशन बिहार बोर्ड के द्वारा आया है, जिसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग में अगर सब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। इससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो लाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहेगा। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे, इंटर की और मैट्रिक की कॉपियों को मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किस तरह से कॉपियों को मूल्यांकन की जा रही है तो इस वीडियो में मैं बताऊँगा। तो इसमें बोला गया कि देखिए, इंटरमीडिएट की परीक्षा के मूल्यांकन को समय पर खत्म करने का उठाया कदम, यानी टीचर के द्वारा यह शपथ लिया गया है कि कॉपियों का मूल्यांकन सही समय पर हो जाए और सही तरीके से किया जाए। तो केंद्र के निर्देशक कर सकेंगे परीक्षक के नियुक्त करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में, बिहार बोर्ड के परीक्षा समिति के ने इंटरमीडिएट के उत्तर पुस्तिकाओं को समय पर मूल्यांकन करने की केंद्र निर्देशक से अपने स्थानीय स्तर पर परीक्षक को नियुक्त करेगा। यानी किस तरह से केंद्र निदेशक के द्वारा परीक्षक को नियुक्त किया जाएगा कॉपियों को मूल्यांकन करने के लिए, और बेहतरीन ढंग से कॉपियों को मूल्यांकन किया जाए और सही समय पर कॉपियों को मूल्यांकन किया जाए ताकि रिजल्ट में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और रिजल्ट स्टूडेंट को पहले आए और बेहतरीन ढंग से कॉपियों को मूल्यांकन किया जाए। तो इसमें मूल्यांकन केंद्र पर निर्देशक जितने चाहे उतने ही परीक्षक को लगा सकते हैं, यानी जितना चाहे उतने टीचर को मूल्यांकन केंद्र पर लगाया जाएगा और बेहतरीन ढंग से कॉपियों के मूल्यांकन की जाएगी। अभी तक कॉपियों को मूल्यांकन करने वाले परीक्षक नियुक्त करने की सूची परीक्षा समिति की तरफ से जिला शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराई जाती थी। समिति के नियंत्रण उच्च माध्यमिक ने इस बार आशय निर्देश जारी किया है और कुछ कुछ जिलों में देखिए यहाँ पर गया 75 सह परिवेक्षक के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है। जिन जिन टीचर के द्वारा अगर किसी तरह से कॉपियों को मूल्यांकन करने में अनुपस्थित रह रहे हैं, उन टीचरों पर 75 ऐसे टीचर हैं जिन पर कॉपियों FIR दर्ज भी किया गया है। क्योंकि जिस तरह से कॉपियों को मूल्यांकन होना चाहिए उस तरह से अगर कॉपियों को मूल्यांकन नहीं की जाएगी तो बच्चों के भविष्य में दिक्कत हो सकती है और रिजल्ट में गड़बड़ी हो सकता है। और इसी तरह से जिन जिन टीचरों के द्वारा लापरवाही किया जा रहा है उन टीचरों पर FIR दर्ज भी किया जा रहा है ताकि टीचर लोग सही समय पर आवे और कॉपियों का मूल्यांकन करें। तो देखिए इसमें बोला गया कि 75 सह परिवेक्षक के खिलाफ केस दर्ज। इंटरमीडिएट के उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में सह परीक्षक की कमी के महसूस की जा रही है। दरअसल में शुरुआत की नियुक्त किए गए परीक्षक के तमाम तनाव बनाने के बाद मूल्यांकन की कार्य में शामिल नहीं हुए, लिहाजे जिला पदाधिकारी ने इस अब तक 75 परिवेक्षकों के खिलाफ पुलिस थाना में प्राथमिक दर्ज कराई गई है। यानी जिन जिन टीचरों से लापरवाही की जा रही है कॉपियों को मूल्यांकन में, मूल्यांकन केंद्र पर नहीं पहुंच रहे, वैसे 75 ऐसे टीचर हैं जिन पर FIR दर्ज भी किया गया है। ऐसे कर ले क्योंकि अगर इस तरह से टीचरों के द्वारा अगर कॉपियों को मूल्यांकन किया जाए और ठोस कदम उठाया जाए तो आप लोग को जो रिजल्ट हो रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन होगा और रिजल्ट पहले ही आने की संभावना है। यानी जिस तरह से अगर सभी टीचर लोग अगर चाह जाएंगे कि कॉपियों को मूल्यांकन सही समय पर खत्म करना है तो इस तरह से करेंगे तो कॉपियों का मूल्यांकन सही समय पर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं।